लोकसभा चुनाव के लिए मुंबई तैयार हो चुकी है। अगले सप्ताह सोमवार को पांचवें चरण की वोटिंग होनी है और इसकी तैयारियों में अब पूरा सिस्टम लग चुका है। चुनाव से पहले शनिवार और रविवार को बेस्ट इलाके के करीब 600 बसें चुनावी ड्यूटी में लगाई जाएंगी। इसी तरह करीब 250 ऑटो टैक्सी की भी ड्यूटी चुनाव में लगेगी। चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ तक पहुंचाने, चुनाव कराने वाले कर्मचारियों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज ली जा रही हैं। बता दें कि वेस्ट में बसों की कमी की वजह से पहले से ही मुंबई में लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे में शनिवार और रविवार को लगातार दो दिनों तक बसों की कमी से मुंबई को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं मुंबई के जिला निर्वाचन अधिकारी संजय यादव का कहना है कि मुंबई के सभी मतदाता गण अनिवार्य रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मुंबई से मंगला बागी की रिपोर्ट। मुंबई शहर में दो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती है, एक 30 दक्षिण मध्य मुंबई और 31 दक्षिण मुंबई। दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो मुंबई शहर में आती है वो 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती है, उनको जोड़ के और दो जो सबब में से अनुशक्ति नगर और चेंबूर, ऐसे 12 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिला के ये दो लोकसभा मतदान बनते हैं। मुंबई शहर में 2520 इतने पोलिंग स्टेशन हैं और सभी पोलिंग स्टेशन की व्यवस्थाएं हमें ठीक तरीके से उसके इंतजाम किए हुए हैं। हम ये देखेंगे कि जिसको एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज कहा जाता है कि जो हर एक पोलिंग स्टेशन पे पीने के पानी की सुविधा हो या टॉयलेट हो आने मतदाताओं के लिए, या ये हीट वेव यानी मई में जो समर का सीजन है उसके लिए अगर धूप से बचाव करने के लिए शेड की व्यवस्था हो, ये सब व्यवस्थाएं हमने की है। 11 पोलिंग स्टेशन हमने जो है सखी, जिसको सखी पोलिंग स्टेशन कहते हैं, कि वहाँ पे पूरे मतदान कर्मी जो होंगे वो सब महिलाएं होंगे और हमारे दिव्यांग भाई जो है बहने जो है उन्होंने चलाए हुए 7 स्पेशल पोलिंग बूथ भी उनके लिए हम यहाँ पे करेंगे। और यंग वोटर्स जो है, जो मतलब नव मतदाताओं को इनकरेज करने के लिए जो यहाँ पे पूरा स्टाफ हमारा जो यंग कर्मचारियों का होगा, ऐसे 11 पोलिंग स्टेशन होंगे। बाकी सब पुलिस स्टेशन पर जो होंगे वो मॉडल तरीके से ज्यादा बने।